अर्थात व्यास पुत्र सुखदेव जी की गाथा सुनल गेल। हमार विवाह का कोई मतलब कहाँ चल गए, उसे कोनो मतलब नहीं। हम चाहे छंद कहीं, चाहे सारंगी कहीं, चाहे सीसा पलट कहीं, चाहे कुछ कहीं, होकर कोनो मतलब नहीं। अब सुने त्रेता द्वापर कलजू, यानी सबका जानकार हुआ। ऐसे ही राजा परीक्षित का लड़का जनमेजय एक दिन सुसरी तट पर भेंट हो गई व्यास जी से, और व्यास जी से भेंट भई, प्रणाम चढ़ा और सुपस किया, और व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि जय हो जय हो जय हो। देखे सुंदर व्यासन पर बिठाई जन्मे जय को, लेकिन कहना है क्या तर्ज लगल मास्टर। वही तर्ज है, अरे माँ मुझे अपने यहाँ चल में छिपा ले, अरे माँ मुझे अपने यहाँ चल में छिपा ले, गणेश लगा ले कि आज मेरा कोई नहीं। ए बाबू, लेकिन वह व्यास जी से जनमेजय जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? चरणों पधर के माँ कभूप पैन उचारी, चरणों पधर के माँ कभूप पैन उचारी, हर भाग्य हमारी आज मुझे तक पूछने लगा। मुनिवर बता सकते हैं आप? कहीं जरूर बता सकते हैं। जनमेजय ने पूछने लगा, मुनिवर ये बता सकते हैं आप, तीनों काल के जानने वाले भूत भविष्य वर्तमान, जिस तरह से वहां सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में सुखदेव जी बता रहे थे कि यानी पहले कलयुग में क्या होगा, सतयुग में क्या होगा और द्वापर में क्या होगा, सारी बात बता दी। तो ये पूछने लगा कि आप तीनों काल के जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान, तो आप बता सकते हैं
भूत में क्या है, भविष्य में क्या है, वर्तमान में क्या है। कहे व्यास जी कहे कि बेटा और बताओ, बता रहे हैं तीनों काल का है आपका या भाग पूरा, और वो पांडव लड़के क्यों फिर हुए नाग। कहे यहाँ तीनों काल की हाल जानते थे तो कौरव पांडव लड़ करके आपस में खत्म हो गए, आप क्यों नहीं बता सके। व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं बहुत ही अच्छी तरह से कौरव पांडव को समझाया लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और उसी तरह से आपको भी बताएंगे और आप ही नहीं मानेंगे, मेरी क्या गलती है। व्यास जी कहने लगे यही अनुरोध दीजिए दास का संदेह दुधारी, यही अनुरोध दीजिए दास का संदेह दुधारी, रहूंगा दिल में या भारी कि आज मुझी जा कोई। मैंने समझाया लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, कहा हम तो के भी समझाई हमारे बात तो हूं न मन गया, पैसा अब मन लगाया यो। अब कहे व्यास तत्काल तब जन में जे सुनो भुआ, माने कहा हमारा। कहे बहुत समझाया लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी, उसी तरह से आपको भी मैं एक बात कहूंगा लेकिन वो भी नहीं मानेंगे आप। भैया के बार बार है तेरी के भाव लगे ले मास्टर, अरे सके ना कोई तार उसको, अरे मरे ना सके ना कोई तार उसको, हो के रहे हमेशा जैसा हो ना सके ना कोई तार। अरे होली आई रे कढ़ाई, होली आई रे कढ़ाई रंग छल के बिना दे मुना बाजुरी, दिया राम मोरे राम बारह बारह पर्यति, सो लघु के बाद एक गुरु
जो व्याकरण या पर्यायवाची या भाषा शब्द कोश अगर पढ़त होई ओके जानकारी की दुर्मी छंद का बनावट का अक्षर से होला 24 अक्षर से होला 12 12 पर्यति 12 12 पर्यति दो लघु एक गुरु इसी तरह से पढ़ता जाएगा। व्यास जी कहे लगना कि बेटा सुन ला एक बात हमार बतावे लगनो अरे लख भूपिए भल याद दिया चल दी नबिवे इक गात खले लगया ये रहा दुख भोर ये अभी तन कोर धरी सब गात गले कहे अब दिनवे आवे वाला हो कोर धरी बच्ची तो के लेकिन ये बनावट बतौली की एक कहे सगर से बना ला ई बतिया अगर मन्नालाल जवाहरलाल होतन और हमारे यहाँ के झगड़ू भैया एक बता सकनो ये आठ सगर से इसका बनावट होता है दुर्मिल छंद का आठ सगर से ए भैया लघु मासी छवे महो न चाहे कही दे तया सब अभी शककार ही घने न चाहल यही रख माफ मने कुछ भेद बता तब जाऊं चले याने जनमेजय पूछ रहा है व्यास जी से कि एकर भेद बतावा और ना ही तो हम आगे के चली कहे बेटा बताई छह महीना के बाद छह मास के बाद आपके तनवा में कोर भैली आपके तन तन में एक आने वाला समय के बाद बतावा थोन आवे वाला आने वाला समय के बाद बता रहे हैं व्यास जी जनमेजय से राजा परीक्षित का लड़का थे जन्मेजय लेकिन ब्याज ही सुसरी तट पर जब भेंट हो गई तो पूछ रहा है जन्मेजय कि आप तीनों काल के जाने वाले हैं भूत भविष्य वर्तमान लेकिन यहाँ बता सकते हैं वो बाप कहने लगा कि कौरव पांडव आपस में लड़के मर गए ब्याज ही कहे कि हम समझाए लेकिन माने नहीं छह मास के समय में आपके ऊपर भी समय आने वाला है आपको बताएंगे वो भी मानेंगे नहीं आप कहे नहीं बताइए जी आगे लिखे माइचर बड़ी पुरानी तर्ज हमारे माइचर बता दे कहा बताऊंगे ए भैया सुना और बैठ के आप लोग सुन क्या जे इनाम दे वाला हा वो धीरे से लिया के दे दी हमारा पहले दे वाली बताओ कौन सर हो वो फिर की वाली तू पल फिर वाला नहीं दूर जाना नजर की कमाल से ये नैना Thank you.
सुनो मेरा, कान खोल करके सुनो जो मैं बता रहा हूँ। भले तो एक सौदागर ले घोड़ा चोरी बारी आएगा, भले तो एक सौदागर ले घोड़ा चोरी बारी आएगा, मन को भी दे पर आएगा एक सौदागर, एक घोड़ा लेकर के आएगा, घोड़ा देख करके अब लालायित हो जाएंगे और आएगा तो ब्याज जी कहा खून। अरे मोल कभी ना लेना, मोल कभी ना लेना, लेने से होता देना, करना या दी तू सवारी, करना या दी तू सवारी, मानोगे हमारी लेना। अगर मोल ले लिया तो हम जोर कहो थी, अगर मोल ले लेबा तो लेना का देना पड़ जाए तो है मुनि ने और बताइए। तहे घोड़ा जब ले लिया तो काम मत करिया, अरे करना यदि तू भूपऊ सुबे सवारी उतर किसी को ना जाना, चढ़ा तो ऊपर दिशा के मत जाया, ऊपर दिशा के जाया तो बात और ख्याल कर लिया, जाना भी तो उस जंगल में तुझको, जाना भी तो उस जंगल में तुझको। उत्तर दिशा के जाए तो सुंदर वन में औरत मिली बहुत सुंदर, तो उसे प्यार मत करी और प्यार जब मिली है तो अलका करी है, जाना भी तो उस जंगल में तुझी मिलेगी सुंदर जाना ना, प्यार न उसे करना, प्यार न उसे करना, करना भी तो ना धरना। अरे मत लिया या। अगर प्यार कर लिया तो के घोरे मत लिया या। प्यार ना उसे करना, करना भी तो नाला ना धरना, सहोगे परेशानी, सहोगे परेशानी, समानों की कहानी, सहोगे लपमान के, जन में गई कहे बाबा मुनिदेव ऐसन ए भैया कहे ऐसन बात कहे, हाँ बेटा यही आपके भविष्य का लक्षण मैं बता रहा हूँ, आपके भविष्य का लक्षण मैं बता रहा हूँ, अगर इससे आप वंचित रहेंगे तो आप सुख सुखमय रह सकते हैं, और हमारी बातों का अगर ध्यान नहीं दिया तो आप सुखमय नहीं रह सकते।
लक्षण यही कर चुके तेरे भविष्य की ये पानी ले जगे कराएगी वो तुमको अरे चोला वो रानी सकह ना कोई तार उसको करोगे नीचे ना मानोगे बात हमार सकह ना कोई तार उसको कहे बेटा अगर जंगल में औरत मिली तो उसे प्यार मत करिया प्यार करिया तो जब घरे लिए यहा तो घरे लिए बा तो औरतिया कही यज्ञ करो बदे तो करो कहले पर यज्ञ भी मत करिया तो अच्छा अरे हम औरत लिया यज्ञ करो बदे कही तो हम यज्ञ न करो कहे बेटा करोगे निश्चय ना मानोगे बात हमार हम जो जो बताओ सही होके मनवा तू मत बोला नहीं दिया लगी अरे मुंह का कर गया ए भैया अब एक सौ शायरी फिर आ गए सारंगी छंद 15 अक्षर से 8-7 पर यदि सब पर लघु तो सब पर गुरु पड़ी और ये 5 मगर से इसकी बनावट होती है आप पिंगल प्रकाश से देखेंगे घराक्षरी छन देव घराक्षरी छन और मतगेंद्र छन दुर्वी छन सुंदरी छन सारी छन देव घराक्षरी छन पिंगल प्रकाश से जब देखेंगे तो सारे छंद की तालिका मिल जाएगी जो मैं 5 मगर से बता रहा हूँ साथियों मैंने तो करीब करीब हमारे सुलन भाई साथी हैं अभी 100 रुपया पुरस्कार दिए थे लेकिन हमारे बचपन के साथी हमारे सुलन भाई यही भी पड़वा के पेड़वा पर चढ़ जाए मार्टन साहब से कह जाए कि चल मार्टन साहब कहे सुलन के पकड़ो बदे यही पर पिपरे पर चढ़ जाए कह रहे भाई सुलन भाई नीचे चलिए ऊपर चल जाए अरे भाई ना मारेंगे आप नीचे चलियो सुलन चढ़ जाए ऊपर 100 रुपया आला ना ये सुमित्रा के देना हमारे पुराना संगी हूँ कहोगे नीचे ना मानोगे बात हमार सके ना कोई तार उसको हम चारे तक पढ़ ली भैया चारे तक पढ़ गई विरहा में हम लोग लीन हो गई लेकिन करीब करीब यार 56 साल हमके विरहा बहुत ही हो गए करीब 56 साल दुखी राम भाई से एक बार हमारे मोच वाला भाई हुमन विरहा होत रहा अहेरुआ बाजार में वो समय हमारे मोच वाला भैया हम चिन्हत है ये रहना वो समय दुखी भाई से होत रहे प्रोग्राम लेकिन सारंगी छंद का बनावट तो बताए दे दी लेकिन कभी की लिखत का हुनका आई रहा अरे तो झूठी होगी ना बातें टूटी जाते बुझा के तो तू ओ मन हवा थोड़ा सा अरे तो झूठी होगी ना बातें और टूटी जाते बुझा के छोटी बातें भूली नीति कह दिखाई जो टाके छोटी बातें भूली नीति कह डाली भी न बाके अरे कह डाली भी न बाके तो ढूंढो थोड़े दिनों पे कीता मिली भय पाके आज की जन्म में ऐसे कह रहे हैं कि थोड़े कल दिन में यह समझिया जावे वाला बात जोन जोन बात बतौली है बेटा एको पतिया के हमारे तुम मनवे न अच्छा ये हमारे पुराने साथी है सुलन सरदार जी के तरफ से मिले भैया बंद हो ये भैया अब यहाँ था कहने की बेटा और समय ये आवे वाला बा करीब करीब 5 मास बीत गया हो छवे वाला हो या वही वाला हो छवे मास में आ जाए तो रे ऊपरा लेकिन कहता नहीं गिरल कौन तरह जाके तब ये लिखे हमारे बुल्लू भाई ईश्वर की बुल्लू भाई गावे अरे झुमका गिरा रे अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका Oh,
अच्छा भैया के नमस्कार। लगे तभी सुनौ ली है, लेकिन वो जमाने में मुन्नू भाई के बुखार भी इनसे सुन दो। मुन्नू भाई कहा जा रे सुगना जा रे कही दे सजनवा से जना की अजुए ले ले चली आव खून वहां से दिल्ली और संसद भवन से एकदम एकदम जना की वही ले चली आव खून। लेकिन बाबूजी कवि जी भाव लिखना की कैसे तले रे कैसे तले रे लिखा है गोली लाल में कैसे चले रही। थोड़े दिन के बाद ने घोड़ा आया एक व्यापारी छह पांच महीना बीत छठवे महीना में मार्च में एक व्यापारी घोड़वा लेकर दुआरी पर चली आया और घोड़वा बहुत सुंदर रहा और सुंदर घोड़ा देकर के जन्म एकदम लुभाई गई तो सौदागर से मोल भाव करने लगा। थोड़े दिन के बाद ने घोड़ा आया एक व्यापारी व्यापारी घोड़ा लेके आई गिलो याने ब्यास जी के बतिया के भुलाई गिनो उसे खरीदारी करके घोड़ा ले 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 रहा ले लेना और घोड़ा जब ले लेना तो कहना कि बेटा ब्यास जी बतले रहे कि घोड़ा ले लिया है बेटा लेकिन सवारी मत कर यहाँ लेकिन घोड़ा ले लेना सवारी ही कह लेना। अच्छा दिया उत्तर दिशा के चल मने कह ले उत्तर दिशा में जाया मत बेटा अरे उत्तर इसके भूचले कानन में मिल गई भैया के नमस्कार। वो नागिन के फेर में पड़ गए और लियाए के बाबूजी जब उत्तर दिशा के गए उत्तर दिशा से बाबूजी घोड़ा पर सवारी करके सुंदर औरत मिलल ओके लिए ना और पहले से एक यज्ञ करा और अगर एक कहने पर जनमेजय यज्ञ भी शुरू कर देना और जब यज्ञ शुरू कर देना तो लेकिन एक बात और कर ले रहा है कि जब लियाया वो केत कही कि जग करो बदे तो जब जग करा तो औरत के जग में बैठाया वो काम शुरू कर देना लेके अगले घरे और दिया गणेश की जग करे के बाद तो है तो ठीक बा अरे बातें माने यज्ञ करवाए परे हमरा भर जाई कले रहना की बेटा है और रतिया के कहने पर अगर यज्ञ फान दिया तब ब्राह्मण के देवता मती हा यज्ञ फान देना यज्ञ तो फान देना ब्याजी कलेरन की ब्राह्मण के देवता मत दी है बेटा और यज्ञ में वो
बोले औरत के बैठाया मत। ब्राह्मण लोग के न्योता भी दे देना, 18 ठे ब्राह्मण के न्योता दे दे। जगह हो जात हुए आप लोग आया तो अच्छा, 18 ठे ब्राह्मण न्योता पाई के वासी वो यज्ञ नहीं कही। अरे बातें माने यज्ञ करवाया पड़े हैं ब्राह्मण। अरे कैसे चले रे, बातें माने या करवाए पर हम ब्राह्मण जाई। अरे कैसे चले रे, अरे कैसे चले रे, लिखे समझू भी तार में कैसे चले रे। ब्राह्मण लोग के 18 के ब्राह्मण के न्योता दे देल। वो यज्ञवा में घोड़वा जोर खरीदले रहे को के खड़ा कर दे। और न्योता यज्ञ होए लगल, यज्ञ होए लगल। औरतिया जो जंगलवा में से लिया लहनो वो घोड़वा के बाएं हाथ से सोहरावे लगा। और जब ब्राह्मण लोग बैठ के हवन कुंड करे लगना, हवन करावे लगना, तो औरतिया के बैठाई के जनमेजे कहना कि तू सांगला छोड़ा। तो औरतिया दहीने हाथ से नहीं बल्कि बाएं हाथ से सांगला छोड़ा लगा। और जब छोड़ा लगे तो जनमेजय गुस्सा आई कि बाबू उस समय म्यान से तलवार निकाल लेते हैं। अब तलवार निकाल करके कहते हैं क्या कि कनारी कह भी तो हसे, कि कनारी कह भी प्रहते 18 ब्राह्मण पाती। अरे बिहारी सरदू बिली कहे, अरे लिखी कर्म की ताकी हो सके ना कोई तार सको। अरे सुदर्शन लिखे धूप के हत्या भयल सवार सके ना कोई एक कहानी आप लोग के मिलला यदुवंश, भूवंश और यौन वंश, मौर्य वंश, यानी 18 ब्राह्मण के तलवार निकाल करके बाबूजी बाएं हाथ से जब औरतिया ये छत छोड़े लगा, सांगला छोड़े लगल, ए बाबू उस समय ब्राह्मण वो कहले कि ये कलंकी औरत लिया के यज्ञ में ये बाएं हाथ से सांगला छोड़े था। इतनी बात कहता जनमेजय निकाल करके तलवार 18 ब्राह्मणों का गर्दन काट लिए। 18 ब्राह्मणों का गर्दन काट लेते हैं और काटने के बाद तो 18 ब्राह्मणों का हत्या जो है जनमेजय को लग गया। लेकिन वो छुटा कैसे, क्योंकि अगर कहानी बड़ी लंबी हो हमारा गाना सुने सब लिखे भूत पे हत्या भेल सवार सकेना कोई तारू सको। अब दूसरा गाना बजा जाता ऐसा रंगबाजी से।